हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप फॉरेन में पीएचडी कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस इंटरव्यू में मैं बोनाशी रॉय से बात करूँगा, जो अभी रिसेंटली जर्मनी में पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुई है। तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे वो इंडिया से जर्मनी पहुंची पीएचडी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बोनाश्री। सबसे पहले थैंक यू अपना इतना इम्पोर्टेंट कीमती वक्त देने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को बोनाश्री रॉय का देना चाहूँगा। तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उसके बाद ये IIT जैम क्वालिफाई करके इन्होंने MNIT जयपुर से अपनी MSc केमिस्ट्री की है। देन इन्होंने PhD में पहले IIT हैदराबाद ज्वाइन किया था, पर ड्यूरिंग कोर्स वर्क ही इनका जर्मनी में सिलेक्शन हो गया है। तो अब ये अपनी PhD यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्टडैम से कंटिन्यू कर रही है जर्मनी में। तो आई थिंक जितनी बातें मैं जानता था इनके बारे में मैंने बता दिए। तो अब अगर कुछ रह गया है तो मैं बोनाश्री रॉय से चाहूँगा कि वो कुछ अपने बारे में बताएं। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू वेरी मच इतना बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। ऑब्वियसली सॉरी, ज़्यादा कुछ आप भूले नहीं हैं, बट मैंने MSc के बाद एक साल का प्रोजेक्ट कर रखा है। हाँ, एक साल का प्रोजेक्ट किया था, देन उसके बाद मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो यानी आपका एक साल का एक्सपीरियंस भी है बीच में वर्किंग का लैब में। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो मुझसे व्यूअर्स ने पूछे थे और या जो मुझे लगता है कि जानना जरूरी है जो भी लोग जर्मनी जाना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि कैसे आपको थॉट्स आया कि आपको फॉरेन से PhD करनी चाहिए। मतलब क्या चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि हाँ आपको फॉरेन जाना चाहिए PhD के लिए? मेन इंस्पिरेशन तो मतलब थोड़ा सा तो सभी का ही होता है कहीं ना कहीं कि बाहर जाना है किसी भी वजह से। मेरा भी था थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कभी बाहर गई तो ऑब्वियसली अपने मतलब पढ़ाई के उसके बेसिस पे मैं पहले बाहर जाना चाहूँगी। तो एज सच कोई प्लान नहीं था मेरा कि मुझे बाहर से PhD करनी है, लेकिन जब मैं MSc में थी तब मेरे एक सीनियर थे, मतलब सीनियर वो प्रोजेक्ट कर रहे थे उस वक्त, तो उनका वो प्रोजेक्ट करते करते उनका UK में सिलेक्शन हो गया था। तो फिर ऐसी शायद मैं भी वहाँ से इनिशिएट हुआ हो या जो भी हुआ हो, फिर ऐसे करते करते फिर एक दिन जिस दिन मैं जब मैं प्रोजेक्ट में थी तो मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा था जो PhD कर रहे थे मेरे ही ग्रुप में कि तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में PhD करने का इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे कुछ पोजीशंस भेजना शुरू की, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत देखना शुरू किया, वहीं से स्टार्ट हुआ था कि मेरे को बाहर जाना है। हाँ, तो ओके, ये अच्छी बात है कि आपके सीनियर्स ने आपको गाइड किया और उनसे आपको सीखने को मिला। तो यानी कहीं ना कहीं एक सीनियर को देख के या किसी से इंस्पायर होके आप बाहर जाने की आपने डिसाइड किया। सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है, तो क्या प्रोसेस रहा आपका फॉरेन में जाने के लिए? मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया कि क्या आपने मेल से स्टार्ट किया और उसके बाद आपने कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस की, वो आप थोड़ा बता पाएँ तो। स्टार्ट तो जैसे मैंने बताया ही अभी कि मेरे सीनियर ने स्टार्टिंग में पोजीशंस एडवर्टाइज पोजीशंस जो आती थी वो एक किसी एक ग्रुप में थे, स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स ग्रुप, तो उसमें थे, तो वो वहाँ की पोजीशंस वो मेरे को भेजा करते थे। फिर वहाँ से तो एडवर्टाइज पोजीशन आती थी, फिर जब धीरे धीरे मैंने खुद से अपने आप से इन्वॉल्व होना शुरू किया तब हाँ मैंने तब मैंने एडवर्टाइज पोजीशंस भी मैं भी अप्लाई किया था, खुद से मैंने मेल भी किया था। और जो मेरे जो सीनियर थे वो जहाँ से वो एडवर्टाइज पोजीशन जो ग्रुप के एडवर्टाइज पोजीशन भेजते थे वहाँ से भी, तो इन तीनों ही तरीके से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया है। ओके, हाँ, तो यानी आपने एडवर्टाइजमेंट से जो भी आपको भेजा गया वहाँ से आपने अप्लाई किया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोनाश्री मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, तो जैसे आपने अप्लाई किया तो क्या चीज़ें हैं जो आपने मेल पे दिया? जैसे बच्चे पूछते हैं कि SOP रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और या रेफरेंस लेटर चाहिए कि नहीं, और या किस टाइप की मेल आपने टाइप करी, या थोड़ा आप आइडिया दे सकें कि कैसे आप अप्रोच करते हैं प्रोफेसर से मेल पे? सबसे पहले तो मेल में मैंने कैसे अप्रोच किया था, सबसे पहले तो जैसे मैंने कंट्री डिसाइड की थी कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना है, और उसके बाद मैंने लिख दिया था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन दिस कंट्री, तो लिस्ट आ गई थी। फिर हर यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके
मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री फैकल्टी देखती थी, और जिस फैकल्टी का काम मेरे प्रीवियस काम से या जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ उस काम से मैच होता था, मैं उस प्रोफेसर को, उन प्रोफेसर को मैं मेल करती थी। तो सबसे पहले मैंने जैसे उनके रिसर्च पेपर पढ़ती थी एटलीस्ट दो, फिर उसके बाद देखती थी कि मेरा काम उनके काम से कैसे सिमिलर है, फिर अगर सिमिलर नहीं भी है तो मैं कोशिश करती थी सिमिलर बनाऊँ उसको। फिर उसके बाद उस तरीके से मैं लिखती थी कि मेरे को आपका काम पसंद है, मैंने इस काम, मैंने ये काम कर रखा है ऑलरेडी, और मैं आपके काम में आपके ग्रुप में PhD करना चाहूँगी। तो स्टार्ट में ऐसे करते थे कि मेरा बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ उनके ग्रुप में, और मेरे होने से उनको कैसे बेनिफिट होगा, ये मैं बेसिकली मेल में टाइप करती थी स्टार्टिंग। बहुत लंबा चौड़ा मेल नहीं, अदरवाइज वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि आपको, उनको आपके बारे में पता लग सके, ताकि वो एटलीस्ट रिप्लाई बैक करें। तो इस तरीके से मैंने मेल करना स्टार्ट किया था। तो इसी में पूछना चाहूँगा, क्या SOP उसी टाइम पे कंपलसरी रहती है, और या रेफरेंस लेटर, कभी कभी रिकमेंडेशन लेटर, सॉरी, जो मांगते हैं हाँ तो उस टाइम पे ही चाहिए होता है या कभी बाद में? इसमें आपकी क्या राय? जब हाँ, जब आप खुद से मेल कर रहे हो तब उसी वक्त आपको रिकमेंडेशन लेटर की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको CV देना ज़रूरी है, तो CV में आप रेफरेंसेस के नाम लिख सकते हैं, तो आई थिंक उतना से सफिशियंट हो जाएगा। अदरवाइज जब आप मेल कर रहे हैं तब रेफरेंस लेटर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ लेकिन अगर आप किसी एडवर्टाइज पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टाइज पोजीशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय कहीं कहीं जगहों पर रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंसेस के मतलब फॉर्मेट चाहिए होता है, कई बार ही नहीं भी चाहिए था, मतलब आपको ये देना पड़ेगा कि ये मेरे रेफरेंसेस हैं, ताकि वो प्रोफेसर जो है वो उन रेफरेंस या उन रिकमेंडेशन जिसका भी आपने नाम लिखा है उन्हें कॉन्टैक्ट कर सके, लेकिन उसी वक्त जरूर नहीं होता, बस डिपेंड ओके करता है कि कौन, हाँ कोई मांगता है कोई नहीं मांगता। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर अगर पहले से तैयार हाँ रहे तो हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, हाँ एग्जैक्टली अगर आपके एग्जैक्टली पास, एग्जैक्टली या कम से कम आप ऐसे एग्जैक्टली दो प्रोफेसर तैयार रखें, या दो या तीन जो जो आपको आपको काफी रेफरेंस दे सकें, दे रिकमेंडेशन दे सकें। सकें। तो फोर्थ क्वेश्चन बोनसरी, जैसे कि आप बोल रही थी कि आप यूनिवर्सिटी चुनती थी गूगल से, तो फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, किस भी आप में आप यूनिवर्सिटी चुनती थी, मतलब एक क्या आपका परफॉर्मर रहता था या क्या आपकी प्रेफरेंस रहती थी यूनिवर्सिटी चुनने के लिए? और साथ में जैसे आप जर्मनी गई हैं तो कैसे आपने डिसाइड किया कि जर्मनी ही जाना है, या मतलब आप US UK आपने ट्राई नहीं किया, जैसे आपके सीनियर गए थे अभी आपने बताया? ओके तो यूनिवर्सिटी मैं कैसे चुनती थी, तो वो तो आई थिंक PhD के अंदर आपका गाइड इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी से ज़्यादा। तो आप पहले गाइड चेक कीजिए, अगर आपका गाइड अच्छा काम कर रहा है, उसके पब्लिकेशंस अच्छे हैं, साइटेशंस अच्छे हैं, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी की अगर रैंकिंग लो भी हो तो आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा। बाकी हाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली मैटर करती ही हैं, अगर आप हाई यूनिवर्सिटीज़ में रहोगे तो बेटर रिसर्च फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने एक्सेस नहीं किया था, वो मैंने बताया जैसे जब मेरे पास लिस्ट आई थी 1 to 50 की टोटल, स्पेसिफिकली जर्मनी वाले उसमें, तो मैंने हर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 करके मैंने हर यूनिवर्सिटी में अब क्या कहते हैं मेल किया था। तो एक्सेस मैंने कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मैंने मेन फोकस किया था फैकल्टी पे कि वो मेरे काम से रिलेटेड है या नहीं, मेन मेरा यही मोटिव था, यूनिवर्सिटी का इतना मैंने नहीं देखा था। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि मैंने जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट की, जर्मनी सिलेक्ट करने के ऑब्वियसली एक रीज़न तो फाइनेंशियल था ही, क्योंकि US अगर आप जा रहे हो या UK में भी जा रहे हो तो UK में टॉफल लगता है, या फिर आइल्स, आई थिंक आइल्स या टॉफल लगता है, और इधर आपको क्या कहते हैं US में आपको GRE लगेगा, तो दोनों की ही एप्लीकेशन फीस हाई होती हैं। तो मैंने सोचा इतने पैसे देने के बाद अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं रही तो फ़ायदा नहीं है, और जर्मनी का ऐसा था कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि जर्मनी सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और एक रीज़न और यह था, आई वुड से थोड़ा सा प्रेफरेंशियली ज़्यादा मेन रीज़न ये रहेगा, बिकॉज मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था 2020 में, और सही से देखा जाए तो 2020 एंड में स्टार्ट किया था मैंने। तो जब मैंने दिसंबर में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इसी यूनिवर्सिटी में ही, सेम यूनिवर्सिटी में, सेम ही गाइड के अंदर, तो तब मतलब मेरे ठीक ठाक चांसेस थे सिलेक्ट होने के, क्योंकि प्रोफेसर ने खुद ही बोल दिया था कि यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ बीइंग गेटिंग सिलेक्टेड, तो जस्ट हैव हाई होप्स। और तो मैंने सोचा कि हो ही जाएगा, बट
फाइनली नहीं हुआ, किसी कोई और मेरे बाद में कोई एक और लड़की थी जिसका बैकग्राउंड मेरे से ज़्यादा बेटर था, उसने मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में काम कर रखा था, मेरा मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में नहीं, मेरा मेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के में मेरा अच्छा होल था, बट जो प्रोजेक्ट था वो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स पे था, तो इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा सा था कि यार हो ही गया, जस्ट बस बस थोड़ा सा रह गया था। आई थिंक जर्मनी वहाँ से मेन स्टार्ट हुआ कि ऑलमोस्ट हो गया था जर्मनी, फिर मैंने सोचा ठीक है यहाँ पे थोड़े फाइनेंशियल कॉस्ट में तो थोड़ा बेयर कम करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैंने मेन टारगेट फिर मैंने जर्मनी पर रखा, मेन यहीं से कहानी शुरू हुई थी जर्मनी की देखा जाए तो। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं आप जर्मनी से जुड़ गए थे बहुत पहले से, तो इसीलिए आपने फोकस जर्मनी पे ही रखना चाहा। फोकस जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है बुनाश्री, जैसे कि आपने बोला कि जर्मनी में एक्सपेंसेस कम लगते हैं और आप इजीली पेयर कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस, तो मैं ये जानना चाहूँगा कैसे फंडिंग मिलती है जर्मनी में और कितनी मिल जाती है, या मतलब इतना सफिशियंट होता है कि जितना भी मिलता है उसमें आप आराम से रह सकते हैं वहाँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं। फंडिंग मैं ये नहीं कहूँगी कि अलग अलग कंट्रीज़ में कम मिलती है, लेकिन मेरा मतलब था कि मेरे को एप्लीकेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी ऑब्वियसली जर्मनी में अगर मैं आती हूँ, और यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या वहाँ के खुद नेशनल स्टूडेंट्स हो उनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फीस नहीं होती है, ऑल दो सेमेस्टर फीस समथिंग होती है बट यूनिवर्सिटी का अच्छा कोई कॉस्ट नहीं होता है, तो ये एक पॉइंट है जर्मनी का, बेटर आप एजुकेशन फ्री में ले सकते हो एक तरीके से देखा जाए तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोनाश्री इसी रिगार्डिंग है, जैसे आप बोल रहे थे कि जर्मनी में कम एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा भी क्वेश्चन है और कई व्यूअर से मैंने पूछा है कि जर्मनी में ये तो हमने सुना है कि एडुकेशन फ्री रहती है, पर इसमें फंडिंग कैसे मिलती है आपको PhD में, और क्या ये आपको मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या ऑलरेडी आपके पास फंडिंग होनी चाहिए तभी आप वहाँ जा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा क्लियर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपने सही बोला कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, ऑल दो सेमेस्टर फीस हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ लगती है, बट अच्छा यूनिवर्सिटी की जो खुद की कॉस्ट है आपको पढ़ाने के लिए वो कोर्स वो नहीं लगता है, सेमेस्टर फीस वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप बैचलर्स करें मास्टर्स करें या PhD में आई थिंक ऑप्शनल होता है। दूसरा जो आपने पूछा कि PhD की फंडिंग के बारे में, वो फंडिंग तो मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू ही आती है, या तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा आपका तो वहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी, या फिर एडवर्टाइज प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी, आई थिंक दोनों केसेस में गवर्नमेंट ही फंड करती है PhD को, तो जैसे मेरा जो है वो एडवर्टाइज पोजीशन से आया है तो मेरे को जो पैसे मिलेंगे वो एडवर्टाइज पोजीशन से आएंगे, मेरा स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड PhD प्रोग्राम नहीं है, मेरा एडवर्टाइज पोजीशन से मेरे को पैसे आते हैं, और फंडिंग जहाँ तक मोर और लेस मेरे ख्याल से हर कंट्री में सेम ही होती है, वो डिपेंड करता है कि लिविंग एक्सपेंस कितना है पर्टिकुलर सिटी में, आप जिस सिटी में रह रहे हो, जैसे जर्मनी का मैंने सुना है कि म्यूनिक में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है, वहाँ पैसे थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा खर्च होते हैं बर्लिन के कंपैरिजन में, तो ये है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं म्यूनिक में जाती तो शायद कम पैसे सेव होता, फिलहाल कंपैरेटिवली शायद थोड़ा ज़्यादा पैसे सेव हो जाएंगे, तो ये है मेन, और फंडिंग आई थिंक इतना है कि आप अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकते हो और ठीक ठाक सेव भी कर सकते हो। तो यानी फंडिंग आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, बस आपको हाँ, चाहिए कि आपको PhD वहाँ मिल जाए तो फंडिंग आपको मिल जाएगी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे PhD में सभी अप्लाई करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करती है पोजीशन लेने में फॉरेन कंट्री में, मतलब आपका CV कैसे स्ट्रांग बनेगा, क्या क्या इसमें एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है जैसे, और या इन सब एंट्रेंस का भी जो नेट गेट जहाँ हो रहे हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा क्लियर कर पाएँ तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, सो सबसे पहले तो नेट और गेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बाहर PhD करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडियन लेवल के टेस्ट हैं तो इंडिया में ही इनका अच्छा खासा वो होता है, बाकी बाहर के लिए आपको ये पेपर्स एग्जाम्स क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है मार्क्स की, मार्क्स ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से मतलब कंपैरेटिवली सफिशिएंट से अबव एवरेज के आसपास रखेंगे तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरा जैसे यहाँ पे जब हुआ था तो मेरे भी उन्होंने मार्क्स देखे थे, तो उन्होंने बोला था आई थिंक मेरे जैसे 8 CGPA था, तो उन्होंने कहा 8 CGPA इज़ आई थिंक मोर देन सफिशियंट उनके ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है कि सामने वाले को भी पता चलता है दैट यू आर ओके, बट ज़रूरी नहीं है बिकॉज उनका
पढ़ाने के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पढ़ाने से अलग होते हैं। जैसे अगर मैं एक इंस्टेंस बताऊं आपको, मैंने जैसे LMU म्यूनिक में भी एक इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मेरे से जैसे कि पूछा गया था कि क्वांटम केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। जनरली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स या मेथड्स के ऊपर भी उनको अच्छे खासे से पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने अभी तक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखा है। तो आई थिंक ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग मतलब माइंड में रखनी चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ, मेरे को उसका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हो तो बेटर रहेगा, बहुत एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से भी या थ्योरी के हिसाब। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है जैसे मेरा काम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में है, तो मैं जैसे अपने मेथड्स को जानती हूँ कि मेरे इसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो ये आपको नॉलेज रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज मेरे को हुआ था, ये नॉलेज थी मेरे पास इसलिए। तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस रहेगा बेसिकली, अगर आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा डेफिनेटली। सो आई वुड से कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो 1 साल का प्रोजेक्ट कर लीजिए या 6 महीने का भी कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए, कहीं पे भी इजीली अप्लाई करना या अपने आप को दिखाना, बिकॉज वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से क्यों प्रेफर करें वो दिखाने के लिए, जस्ट टू शो कि यस यू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन वॉट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन और सो एंड सो। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी परसेंटेज अगर अबव एवरेज रहती है और कुछ एक्सपीरियंस आपको एक्सपेरिमेंटल का रहता है तो आपके चांसेस हैं पूरे फॉरेन में जाने के भी, और आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोनसरी इसी रिगार्डिंग है। तो आप अगर नॉर्मल कॉलेज के बच्चे की बात करें जहाँ प्रोजेक्ट नहीं होते और या ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो प्रैक्टिकल को इतना अच्छा कर पाएँ, तो क्या वो फॉरेन जा सकते हैं? तो उनके लिए आप क्या तरीके सजेस्ट करेंगी? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं होते हैं तो किसी भी लैब में या किसी भी जो एडवर्टाइज पोजीशंस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिया में ही होते हैं, तो वहां से आप एक्सपीरियंस कीजिए, चाहे वो CSIR हो, आईसर्स हो, IITs हो, कहीं भी हो, आप उन लैब्स में जाके अपना एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस मेन है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब देख सकते हैं आप सभी लोग कि अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लैब वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे, चाहे वो आप इंटर्नशिप के थ्रू लें और चाहे आप 1 ईयर का प्रोजेक्ट करें कहीं, तो आपको हेल्प करेगा आपके CV को स्ट्रॉन्ग करने में और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है कि जैसे मानो मुझे फॉरेन जाना है तो क्या मुझे स्टार्टिंग से ही पासपोर्ट और या इन सब की तैयारी करनी चाहिए, या जो कोई और डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास होने चाहिए फॉरेन में जाने के लिए, ऐसा आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही चाहिए। आई वुड से कि आप पासपोर्ट बन के रहें जब रखें, क्योंकि वीज़ा मिलने में थोड़ा सा इजी तो नहीं, मतलब आप पहले से अप्लाई कर पाएंगे एटलीस्ट। जैसे मेरा पासपोर्ट नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने अप्लाई किया था तो मेरे आई थिंक 15 दिन के बाद मेरे पास पासपोर्ट आया था, और जब तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं आएगा मैं वीज़ा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली वीज़ा अप्लाई करते वक्त, एप्लीकेशन के वक्त आपको पासपोर्ट के नंबर से होता है। आई थिंक 15 दिन तो मैंने ऐसे ही लॉस्ट किए थे अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, और फाइनली मेरा वीज़ा थोड़ा सा लेट भी आया था। मेरी ज्वाइनिंग नवंबर में होनी थी जो कि 1 महीना बाद हुई। सो आई वुड डेफिनेटली से कि आप पासपोर्ट बना के रखें, ये आपको एक प्लस पॉइंट देगा अपने आप को थोड़ा सा टाइम के आगे रखने में, तो पासपोर्ट बना के रखें ज़रूरी है बहुत। तो ओके, आप देख सकते हैं अगर आपको फॉरेन जाना है या नहीं भी जाना है तो मुझे लगता है कि आपको फिर भी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जब PhD में भी एनरोल होते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ही, तब भी आपको मौका मिलता है कॉन्फ्रेंस जाने का। तो इसीलिए अगर पासपोर्ट होगा तो आप इजीली इन सब जगह जा सकते हैं और इजीली सारे काम कर सकते हैं। ओके, लास्ट अकेडमिक से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इंग्लिश बिल्कुल रिक्वायरमेंट है फॉरेन में PhD करने के लिए, और या मतलब आपको परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए या आपका TOEFL, IELTS ये सब एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए तभी आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ तक PhD पहुँच सकते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? जैसे कि मैंने अब बताया आपको कि टॉइफल और आइल्स जो है वो जर्मनी में ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मैंने नहीं दिया टॉइफल और आइल्स। तो लेकिन हाँ, आप जिस भी उसमें PhD करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है, वेदर इट्स इन जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और एनीथिंग, वट एवर लैंग्वेज यू प्रिफर।
हाँ कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मेरे को जर्मन नहीं आती तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश में करूंगी, लेकिन हाँ आपको जो लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, परफेक्ट तो नहीं बिकॉज मैं भी ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी पढ़ी है 12th तक आगे जिस तरीके से भी उसी बेसिस पे काम चला रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए ताकि सामने वाला कोई कुछ बोले तो आपको समझ में तो आए कम से कम, और आप अपनी बात को उससे कम्युनिकेट कर सको, तो इतना सा जरूरी है। बाकी परफेक्ट कोई भी लैंग्वेज आना आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। तो आप देख सकते हैं, मतलब आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा बन सके जिससे भी आप बात कर रहे हैं। बाकी आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बोलें या परफेक्ट लिखें, और साथ में आप इन एग्ज़ाम से भी ना घबराएं कि टफेल आईलेट बिल्कुल कंपलसरी है फॉरेन में जाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बिना इसके भी आपको एनरोल करती हैं PhD में, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो अब बोनाश्री कुछ डिफरेंट 5 क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, और ये सब बिल्कुल अलग हैं, और तो इसमें आपको मज़ा भी आने वाला है और थोड़ा सा टेस्ट लेंगे कैसे आप स्मार्टली इनका जवाब देती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपको लगती है जर्मनी में PhD करने की, या फॉरेन में जो आप PhD कर रही हैं उसकी। ओके ओके एडवांटेज तो थोड़ा सा ये बोलेंगे कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जैसे जिस ग्रुप में मैं हूँ यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ के पर्सन्स हैं जो काम कर रहे हैं, भले ही वो PhD में हो पोस्ट डॉक में हो, और तो एक नया आपको माहौल मिल जाता है काम करने के लिए, काफ़ी लोगों से मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो आप। और दूसरा यहाँ जैसे कि हमने सुना ही है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के कंपैरिजन में रिसर्च का मतलब एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है, सो आई थिंक वो तो है ही। और दूसरा कम्युनिटीज़ आप बिल्ड कर सकते हो, वो भी है। इंडिया में मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज जैसे आप नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आर वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कोई अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में चला जाए या साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में चला जाए तो उसको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा उसके कल्चर में, तो ऐसा आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन हाँ रिसर्च एक्सपोजर जैसे कि सभी कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और दूसरा मैं ये बोलूँगी थोड़े से कंपैरेटिवली आई थिंक फाइनेंशियली आप थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, तो आई थिंक ये तो नॉर्मल एडवांटेजेस आई वुड से। अब बाकी क्योंकि रिसर्च इंडिया में भी होती है ये मैं मना नहीं करूँगी, अगर आप अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में चले जाओ जैसे IISc बैंगलोर हो गया, CSIR हो गए, IJAS भी हो गए, तो आई वोंट से कि वो बेकार है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, इट्स जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे प्रोसीड करना है, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छे खासे पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आप अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हैं, कभी कभी आपका दिल नहीं लगता है तो आप मिस करते हैं अपने फैमिलीज को फ्रेंड्स को। दूसरा डिसएडवांटेज मैं ये बोलूँगी कि मेरे को खाना रोज़ बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा तो यही भी ये है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी हाँ कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे एटलीस्ट आपको कुकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी आपकी, तो आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज बोथ, तो ये है। तो ओके, काफी स्मार्टली आपने आंसर दिया। तो अब सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सेफ्टी कंसर्न कैसे हैं वहाँ पे, मतलब आप चाहे लड़की की बात करें और चाहे बॉयज की, या इंडियंस की बात करें कि बाहर इंडियंस हैं, तो कैसा आपको सेफ्टी कंसर्न दिखा। सेफ्टी का अभी तक जितना मैंने देखा है आई थिंक मेरे को ऐसा कोई कुछ फील नहीं हुआ कभी भी कि मैं अनसेफ हूँ या मेरे को किसी भी चीज़ से फिलहाल तो कभी डर नहीं लगा। बाकी यहाँ पे सभी लोग मतलब अभी तक जितना मैंने देखा सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, सो आई डिडेंट सी एनी थिंग कि मेरे को यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी झेलनी पड़ी हो। सो दे आर वेरी पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव टू हेल्प यू आउट इफ यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन और डिफिकल्ट सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट। ओके गुड, तो बहुत अच्छे लोग हैं यानी जर्मनी में, और मतलब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोनलीनेस तो वहाँ होगा नहीं शायद, इंडियंस बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ लोनलीनेस तो यूरोप में अगर आपने सुना हो कि यहाँ पे विंटर डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, बिकॉज सूरज जो है वो काफ़ी कम टाइम के लिए बाहर आता है, या तो आता है तो आपको दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे विंटर डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। तो आई वुड से कि आप आइए, फ्रेंड्स बनाइए, अपना सर्कल बिल्ड कीजिए, तो आपको लोनलीनेस जैसा कोई वो नहीं रहेगा। बाकी इंडियंस की जो आप बात कर रहे हैं
तो मेरे ही अपार्टमेंट कह रही हूँ, मेरे ही आजू बाजू में कितने सारे इंडियंस हैं, लेकिन मैं शायद पता नहीं कितने इंडियंस से अभी तक मैंने बात ही नहीं की है। तो आप किसी भी कंट्री में जाए, आपको इंडियन तो मिल ही जाएगा, चाहे कहीं भी हो, बिकॉज इंडियंस बहुत ब्रिलियंट होते हैं। बस अब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं वो सबको पता है, तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन मिल ही जाएगा। तो ये काफी अच्छा लगा सुन के कि हर जगह इंडियंस हैं और सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। थर्ड, वहाँ वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब पीएचडी में कैसा टाइमिंग रहती है, या वहाँ भी जैसे इंडिया में है कि पीएचडी वाले परेशान रहते हैं, 24 आवर्स ही काम करते हैं लगभग, तो वहाँ कैसा सीन है पीएचडी का, थोड़ा आप बता सकें? ओके, तो मैं बाकी कंट्रीज का एज सच पर्टिकुलरली नहीं बता सकती, लेकिन जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। चाहे आप किसी भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, या किसी नॉर्मल जॉब के लिए काम कर रहे हो, या फिर पीएचडी की तरह ही काम कर रहे हो, तो आपका सैटरडे संडे पक्का ऑफ रहेगा। आपको लैब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बुलाएगा भी नहीं, और गलती से किसी भी तरीके से आपको मेल भी आ जाए सैटरडे को, सो यू डो नॉट हैव टू नेसेसरी रिप्लाई टू दैट पर्सन और समथिंग लाइक दैट। सो आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे काफ़ी सही है। आप अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ, इट्स जस्ट कि आपका जो काम है वो आप टाइमली पूरा कर दो, इतना है मेन। बाकी अभी तक तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मे बी मेरा जस्ट पहला दूसरा ही महीना है ये, तो उसलिए भी हो सकता है, लेकिन हाँ जितना मैंने सुना है जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। तो गुड, मतलब ये कह सकते हैं कि टाइमिंग फिक्स है हर चीज़ की, कि किस हाँ टाइम पे आपको क्या एग्जैक्टली करना है। ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये बोलना श्री आपसे कि आप वेजिटेरियन लोग रह सकते हैं यूरोप में, मतलब अगर मैंने सुना है जितना ज़्यादातर बाहर नॉन वेज मिलता है, या अगर आप वेजिटेरियन है तो मुश्किल होता है, तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? अगर आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन मतलब प्रीडोमिनेटली नॉन वेज कंट्री में जा रहे हो, तो थोड़ा डर तो रहता ही है कि मैं कुछ गलती से उल्टा सीधा ना खा लूँ, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे वेज खाना नहीं मिलेगा। इस जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ वेज है, वो चीज़ नॉन वेज है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पे फिलहाल मैंने नॉनवेज कुछ नहीं खाया। ऑल दो मैं नॉनवेज खाती हूँ, लेकिन मैंने अच्छे से खाया नहीं है। हाँ, चिकन के अलावा, क्योंकि मेरी एक लैबमेट है, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि ये खाना अच्छा है, तो मतलब वो चिकन चिकन लग रहा था, ऐसा नहीं था कि चिकन के अलावा कुछ और दे दिया उन्होंने, तो मतलब हाँ। लेकिन आपको वेजिटेरियन और नॉन वेज ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके गुड, मतलब आप चाहे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन सरवाइव कर सकते हैं इजीली यूरोप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलती है, मतलब ऐसा कंपलसरी है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, या मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है चीज़ों में? हाँ, ये मैं बोलूँगी कि अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी आती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप देखें जो बर्लिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग सिटी है, तो आपको यहाँ पे कम लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे लोग मिले जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे उनसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती थी। सिमिलरली, तो जब भी आप एज अ स्टूडेंट या एज अ एम्प्लॉय या फिर किसी भी तरीके से अगर आप आते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो मैं जब अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी, तो जो लेडी मेरे सामने थी उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे उनको कन्वे करने में अपनी बात को बहुत दिक्कत हो रही थी। उस टाइम मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टाइप एंड शो कि ये मैं बोलना चाहती हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट हाँ किसी तरह मैनेज हो गया था। हाँ, तो मैं यही कहूँ कि थोड़ा सा अगर आता हो, एटलीस्ट जर्मन का A1 A2 लेवल तक अगर आपको आता हो, अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं, तो आई थिंक आप सर्वाइव कर लेंगे स्टार्टिंग के, फिर बाकी धीरे धीरे तो आप सीख ही जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो थोड़ा सा आएगा तो बेटर रहेगा उससे। हाँ, तो मतलब आप कहना चाहते हैं यानी आप कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लें, उनकी लैंग्वेज के बारे में जान लें, बिल्कुल तो आपको बिल्कुल हेल्प बिल्कुल। करेगा। तो ओके, अब हम भी सारे क्वेश्चन से एग्जॉस्टेड हो गए हैं, आई थिंक मैंने सब कुछ पूछ लिया है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ पूछ लिया है, जितना भी व्यूअर्स को जानना था या मुझे जानना था, और या जितनी भी हेल्प हो सकती है लोगों को इन सब क्वेश्चन से, वो हमने पूछ लिए। तो इसके अलावा अगर बोनाश्री आप कुछ कहना चाहती हैं और आप कुछ बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को, और कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना बेस्ट दें किसी भी चीज़ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी चीज़ जिस टाइम पर चाहें वो उसी टाइम पर मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा स्ट्रगल
हर जगह ही होता है, बिना स्ट्रगल की अगर आपको वो चीज़ मिल जाए तो उस चीज़ का मज़ा भी नहीं आता। तो स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा सा वो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो मतलब आज कल या परसों आपको वो चीज़ नहीं मिलनी है, तो इस चीज़ से घबराए नहीं कि मेरे को वो मिल नहीं रहा तो मैं वो चीज़ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो अप्लाई करते रहे, कोशिश करते रहे, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, पढ़ाई के लिए देख रहे हो, या कोई भी आप अपनी पर्सनल लाइफ सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, तो घबराए नहीं, उसको ओवरकम कीजिए उस प्रॉब्लम को, वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएगी, देखिएगा। ओके, तो थैंक यू बोनाश्री इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। तो जैसे कि मैं आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, पर हो सकता है शायद उस तरीके से नहीं मिले जिस तरीके से आप चाहते हैं, पर मिलेगी ज़रूर। हाँ, तो थैंक यू बोनाश्री अपना टाइम देने के लिए। ओके बाय। तो व्यूअर्स, आपको भी आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अच्छे इंटरव्यू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।